वो क्या संसद में हमारी बात को रखेंगी? जब वो हमारा ज्ञापन लेने के लिए यहाँ उपलब्ध नहीं है तो क्या वो संसद में रहेंगी? वो हमारी बात रख पाएंगी? देश की जो सेना है उसका जो गौरव है आप नहीं रख पाई तो सांसद किस बात की सांसद है आप बताइए? अगर आप कहती है कि ठीक हम आते हैं तो हम आज खड़े हैं, पूरी रात भर खड़े रहने को तैयार है। एक सांसद होकर आप जो है अपनी जनता को टाइम देने के लिए आपके पास समय नहीं है, बहुत शर्म की बात है। ये पूर्व सैनिकों का अपमान है। अगर उनके पास टाइम नहीं था वो सभी पूर्व सैनिकों का मैं एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube न्यूज चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जंतर मंतर पर एक नए सिरे से वन रैंक वन पेंशन ही नहीं बल्कि MSP डिसेबिलिटी पेंशन भेदभाव और हर जगह JCO जवान और ऑफिसर्स के साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रोटेस्ट एक नए सिरे से जारी किया गया है। आप सभी जानते हैं कि लगभग 19-20 फरवरी से ये सभी पूर्व सैनिक जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं और इस बार जो ये पूरा आंदोलन है ये सिर्फ जो है जंतर मंतर तक सीमित नहीं है। जी हाँ, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देश भर से अलग अलग वीडियो सामने आ रही हैं। आपने ये वीडियो क्लिप देखा, जो फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन है उन्होंने देश भर में जो है पूर्व सैनिकों से अपील की थी कि आप सांसदों को अपना मांग पत्र सौंपे, आपको जंतर मंतर आने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप अपने जो सांसद हैं अपने ही एरिए में रहकर जो है कुछ पूर्व सैनिक इकट्ठे होकर अपना मांग पत्र सांसद को सौंपे। और आपने वीडियो क्लिप देखा किस प्रकार से पूर्व सैनिकों की शिकायतें हैं कि आज उन सांसदों के पास हमारे मांग पत्र लेने या हमसे मिलने का समय नहीं है जो हमारी वोट को बटोर कर सत्ता में आते हैं। तो दोस्तों ये बड़ा ही एक तरीके से कह सकते हैं कड़वी सच्चाई है। जब पूर्व सैनिकों की वोट लेने का समय आता है तो यहाँ पर याद आ जाता है सभी को कि पूर्व सैनिक। लेकिन वही पूर्व सैनिक जब इतने दिन से जंतर मंतर पर बैठे हैं तो एक जो है सरकार से, किसी भी सरकार से कोई एक नेता जाकर ये नहीं पूछता है कि आपको क्या दिक्कत है, आपकी समस्याओं को आगे भेजा जाएगा, उन पर चर्चा की जाएगी, आपकी समस्याओं का सुधार किया जाएगा, क्योंकि सिर्फ वोट बटोरने का काम अब जो है पूर्व सैनिक रह गए हैं। लेकिन इस बार पूर्व सैनिकों ने अपनी रणनीति पहले से तैयार कर ली है। उन्होंने क्लियर कर दिया है कि इस बार वोट का वार ही पूर्व सैनिकों की तरफ से देखने को मिलेगा। जी हां, आप सभी को बता दें कि आगे आने वाले इलेक्शंस में सरकार को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूर्व सैनिक तैयार हैं। उन्होंने कह दिया है कि अगर जल्दी से जल्दी उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती, ORP 2 की विसंगतियों को सही नहीं किया जाता, क्योंकि अगर वे विसंगतियां अभी सही नहीं होती हैं तो आगे आने वाली जो ORP 3 है उसमें कंटिन्यू होकर चली जाएंगी, तो वो अगर नहीं होती हैं सही सारी चीज़ें तो इस बार जो पूर्व सैनिक हैं उनकी एक भी वोट BJP सरकार को तो नहीं मिलेगी, क्योंकि वोट के वार से ही अब इन राजनीति के जो नेता हैं इनको समझ आएगा कि आपको पूर्व सैनिकों से किए गए वादों को भी पूरा करना होता है। तो जो भी हमारे व्यूवर्स हैं अपनी राय हमें इस पूरे मामले पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने साथी पेंशन धारकों के साथ जरूर से शेयर कर ले। आगे की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी पेंशन धारकों को जय हिंद जय भारत।